भी अच्छे गार्ड डॉग नहीं होते। अगर आपके घर में कोई स्ट्रेंजर भी आ जाता है या कोई ऐसा बंदा जो कि गलत इंटेंशन से आपके घर में आया है, तो भी सेंट बर्नार्ड उस पर अटैक नहीं करेगा, तो भी उसको कोई रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा नहीं होता। ये वर्किंग लाइन की डॉग ब्रीडर्स, डॉग ब्रीड को इसी वजह से हिस्ट्री में रेस्क्यू मिशंस पे यूज़ किया जाता था, ना कि गार्डिंग के तौर पे। सो इस चीज़ को अपने जहन से निकाल देना कि सेंट बर्नार्ड अच्छे गार्ड डॉग होते हैं। सो गाइस, सेंट बर्नार्ड का खाली फूड एक्सपेंस और इसको मेंटेन करने का एक्सपेंस ही नहीं होता, बल्कि इसको रखने के लिए आपको टेम्परेचर मेंटेन करके भी देना पड़ेगा। सेंट बर्नार्ड बर्फानी इलाकों की डॉग ब्रीड है जो कि बर्फ़ में फंसे लोगों को निकालती थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सर्दी तो कितनी भी लेवल की बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन गर्मी इनसे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि ये बल्की होते हैं, काफ़ी हैवी होते हैं, कोट भी लॉन्ग होता है, तो इनको रखने के लिए आपको टेम्परेचर मेंटेन करके देना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप टेम्परेचर मेंटेन करके देने पे आओ तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, क्योंकि मोस्टली लोगों का इतना बजट नहीं होता कि वो इस डॉग ब्रीड को एयर कंडीशन या एसी में रख सके और उसके साथ सारे उसके एक्सपेंसिस